राजधानी देहरादून के नगर निगम पर एक बार फिर गंभीर घोटाले के आरोप लगे हैं। नगर निगम पार्षदों और अधिकारियों पर मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में लगभग 60 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। आरटीआई के माध्यम से इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि निगम के 100 वार्डों में 1021 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई है, लेकिन इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया। यह खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने किया है। एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि पार्षदों ने जो पर्यावरण मित्र तैनात किए उनमें कई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये लगाइए, कोई नेगी कास्ट का आदमी झाड़ू नहीं लगाएगा, गोदियाल कास्ट का आदमी कभी झाड़ू नहीं लगाएगा। दूसरा, उनके आप एड्रेस देखिए कि कईयों के तो एड्रेस ही नहीं है, कईयों के एड्रेस नहीं है। फिर उसके बाद जो पार्षद है, ये पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है और वो इनको बांट रहे हैं, तो इसलिए ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और जब इसके बाद ये विजिलेंस में जब इसकी इंक्वायरी होगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी है, और इसमें मुकदमे सब 100 के 100 पार्षदों के ऊपर होगा। देखिए, इसमें आपका वित्तीय विभाग है, इसमें MLA वगैरह इन्वॉल्व है, नगर आयुक्त वगैरह, क्योंकि वित्त फाइनेंस का जितना भी काम है वो वित्तीय विभाग देखते हैं। और मज़े की बात ये देखिए, इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट्स के आई हैं अभी हम उनको भी निकाल रहे हैं। अब हम इसकी शिकायत, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा गया है तो, और इसमें पार्षदों के खिलाफ मुकदमा होगा, और हम इसकी शिकायत अब विजिलेंस में डाल रहे हैं। देखिए, ये अखबारों में मैं पढ़ रहा था कई दिन, और ये हमने RTI में पिछले साल मई में हमें RTI मिल गई थी, तो और उसमें हम फिर इसलिए थोड़ी हमने शिकायत से रोका कि उस समय पार्षद वगैरह कार्यरत थे, तो अब ये पेपरों में भी इसमें निकल गया है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि इसमें 100 पार्षदों ने कम से कम, किसी ने 14 आदमी रखे हुए हैं, किसी ने 10 रखे हुए हैं, और इसमें पर डे 500 रुपये के हिसाब से एक व्यक्ति को मिल रहा है, और इसमें कईयों के तो एड्रेस ही नहीं है, और कईयों के इसमें एड्रेस नहीं है, कई इसमें ठाकुर लॉबी के हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई गुप्ता है, कोई खत्री है, कोई यादव है, जो स्वीपर का काम कर रहे हैं, और जो जो ये घोटाला है लगभग अगर आप कैलकुलेशन करें तो 90 करोड़ के करीबन का ये घोटाला है। और इसमें आपके MNA, आपके वित्तीय विभाग, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है और पार्षदों का। तो अब हम इसमें जरा ये कंप्लेन करने के बावजूद हम 154 में हम इसमें कंप्लेन डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें शिकायत इसकी विजिलेंस में करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकेश सिंह नेगी, जो कि एक RTI एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट हैं। विकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है MKN न्यूज पर आपका। विकेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, आ रही है। विकेश जी, MKN न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये मामला ऐसा है, RTI जब हमने इस मामले में डाली थी, ये जो समिति बनी हुई है पार्षदों द्वारा, पार्षदों और मेयर द्वारा, तो इस पे जब लिस्ट निकल के आई है तो इसमें कईयों के एड्रेस नहीं है, कई यूपी के हैं, बिजनौर सहारनपुर जगह के हैं, कई नाम ही रिपीट हो रहे हैं और एड्रेस भी रिपीट हो रहे हैं जी, और कई जनरल कैटेगरी के हैं, तो इस हिसाब से इनके द्वारा धांधली की जा रही है। दूसरा, पर डे जो 500 रुपए मिल रहे हैं, और उसमें अभी कई लोग सामने आए जिनको 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे थे जी, और वहां से 15 हजार रुपए पार्षद द्वारा लिया जा रहा था, और जो जो भी कर्मचारी रखे भी गए थे उनको 500 रुपए, उनको मतलब महीने के 2 या 3 हजार रुपए दिए जा रहे थे जी, और कई लोग तो है ही नहीं उसमें जी। विकेश जी, क्या पार्षदों के संज्ञान में ये मामला था कि इस तरीके से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आई है, बताया ये जा रहा है कि 500 रुपए पर डे के हिसाब से पे किया जाता था, वहीं पर अब आपने जब बताया कि शुभम नाम के 15 से अधिक लोग हैं और कईयों के एड्रेस भी सेम है, कईयों की वार्ड भी सेम है, तो क्या ये पार्षदों की संलिप्तता के कारण ये सारी चीजें सामने आई थी? देखिए, ये पूरा
इसमें अकाउंट सेक्शन होगा, एमएनए होंगे, दूसरा मेयर होंगे, पार्षद होंगे, सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है जी। वरना कभी भी कोई गवर्नमेंट उसमें लगता है उसका वेरिफिकेशन वो होता है, चाहे आप संविधान में भी लगाए चाहे आप डेली बेसिस में भी लगाए, तो आपको वेरिफिकेशन आप पूरा कराते हैं। दूसरी चीज जो ये सबसे मजे की बात, ये सारा पैसा पार्षदों के पास जा रहा है और पार्षद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई खाली एक नाम की लिस्ट देने से आप उनको इतना गवर्नमेंट का इतना फंड दिया जा रहा है जिसका मिस यूज इतना बड़े पैमाने में हो रहा है जी। तो ये सब कोकस बना के काम किया जा रहा था जी। विकेश जी, ये तो रही पार्षदों की बात जिनके पास फंड आता था और वो उसे वितरित करते थे, पर सोचने वाली बात यह है कि पार्षदों तक अगर कोई फंड पहुंच रहा है उसे पहुंचाने वाला भी सरकारी कोई ना कोई कर्मचारी होगा, तो क्या हम इस चीज को ये कह सकते हैं कि पार्षदों के अलावा और भी जो वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोग हैं वो भी इस चीज में संलिप्त हैं? हाँ, ये तो मैं आपको बता ही तो रहा हूँ भाई, बिना बिना वित्त की स्वीकृति कौन दे रहा है? दूसरी चीज अकाउंट सेक्शन ये वेरीफाई नहीं कर रहा कि पैसा जहाँ कहाँ रहा है जी। एमएनए ये नहीं देख रहा है कि कहाँ कितना इतना बड़ा पैसे का घपला कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, किसको मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा जी। तो ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा है। इसके लिए हमने अब विजिलेंस को शिकायत डाल रहे हैं जी। और इनमें अगर विजिलेंस इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं करती तो हम विजिलेंस कोर्ट से इसमें मुकदमा दर्ज कराएंगे जी। और मनी रिकवरी और इनके पार्षद सबकी इनकी जांच कर जी। विकेश जी, इस पूरे मामले पर क्या किसी पार्षद का बयान सामने आया या जो लोग हैं जिनका नाम सेम है, वार्ड सेम है, उनके तरफ से कोई बयान सामने आया? देखिए, इनमें से किसी का नहीं आया, पर लेकिन एक न्यूज चैनल में एक लेडीज आई हैं जिन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे 2000 रुपए मिल रहे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया विकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह नेगी जिन्होंने ये खुलासा किया है आरटीआई के माध्यम से, जहां पर नगर निगम देहरादून में ये इतना बड़ा फर्जीवाड़े का मामला चल रहा था विगत कई दिनों से, जहां पर एक ही नाम के कई लोगों को पर डे के हिसाब से 500 रुपये वितरित किए जा रहे थे। वहीं अब विजिलेंस में इसकी शिकायत दर्ज कराने वाले हैं और देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है।